हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिलायबल इंस्टीट्यूट के विक्ट्री सेलिब्रेशन में। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जिसने सफलता की नई कहानी लिखी है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं नितिन का, जिन्होंने ये सफलता अपने हार्डवर्क और टैलेंट से हासिल की है। जिंदगी में हम सब सफलता की उड़ान भरने के लिए जब पंख फैलाते हैं तो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। हम उन पलों में इतने खुश होते हैं कि हर पल हमें एक मीठा सा अनुभव देता है। मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था जब अपने पंख फैलाए अपने सपनों को पूरा करने वाले इंस्टीट्यूट में आया। तब वाकई लग रहा था कि मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। पर जिंदगी में सब हमारे हिसाब से हो ये तो मुमकिन नहीं। लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब आते जाते रहते हैं, पर जब हम अपनी दुनिया से निकल बाहरी दुनिया में आते हैं तो उसके हिसाब से हमें भी बदल जाना पड़ता है। पर ये मेरे लिए कर पाना आसान नहीं था। जिन सपनों को लेकर मैं आया था वो कब हवा हो गए पता ही नहीं चला। जब मेरे साथी ही मेरी प्रेजेंस और लुक को लेकर मेरा मजाक बनाने लगे तो मुझे पढ़ने या क्लास जाने से ही डर लगने लगा था। अब वो क्लास जिसमें बैठकर मैं अपने सपनों को जीना चाह रहा था, मेरे एक डर के कारण ही उस क्लास में जाना मुझे सबसे बड़ा टास्क लगने लगा था। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक मैं इन सबसे बचता रहूंगा? मुझे क्लास तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर पूरी हिम्मत के साथ मैं क्लास जाने को तैयार तो हुआ, पर जैसे ही क्लास के गेट तक पहुंचा वही सब बातें मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेरे सपनों की ओर जाने वाले दरवाजे को खोल पाऊं। तो फिर मैं क्लास नहीं गया और अलग जाकर बैठ गया। बस यहीं से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं उस दिन सबसे छिपता छुपाता स्टेयर्स पर बैठा था तब हमारे एक टीचर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे वहां मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, नितिन तुम क्लास क्यों नहीं आए? मैंने लाख बहाने बनाए पर वो नहीं माने। शायद वो मेरे मन को टटोल चुके थे। वो जानते थे कि कहीं कुछ दर्द है जो मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से रोक रहा है। और जब उनके प्यार और अपनेपन के दायरे में मैं आया तो उनको अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई, जिसने मेरी जिंदगी जीने के ढंग को ही बदल दिया। जीवन में सब कुछ अट्रैक्टिव होना ही नहीं होता है। आप अपने टैलेंट से अपनी इनर ब्यूटी को जितना निखारते हो उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ते हो। सर लिखने कब तक चलेगा? मैं रोज सारे बच्चे में मजाक उड़ाते हैं, रोज मुझे रुलाते हैं, क्या कब तक चलेगा? बेटा इन चीजों को माइंड करके अगर तुम रहोगे तो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि अगर तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो आज जितने बच्चे तुम्हारे लिए मजाक उड़ा रहे हैं वो सभी तुम्हारे लिए एक दिन तालियां बजाएंगे। सर की उस बात ने मुझ पर इस तरह से असर किया, मैं वापस अपने सपनों की राह पर आ चुका था, अपनी किताबों से यारी कर चुका था। अब मेरे कुछ दोस्त भी बन चुके थे जो मेरे साथ रहते थे। शायद अब मैं वाकई जीने लगा था। मैं अपनी खुशियों को वापस पंख दे चुका था। सर के गाइडेंस और सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। दुख सुख में बदल गया, घबराहट मुस्कुराहट में बदल गई और आखिरकार मेरे सपने टैलेंट और हार्डवर्क से मेरी मुट्ठी में आ गए। जिस तरह से एक टीचर ने मेरी लाइफ बदल दी, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा टीचर है?